नमस्कार, और आज हम खड़े हैं एक फ्रेंच एसयूवी के सामने जिसका नाम है निसान टेरेनो। 2010 में लॉन्च हुई थी और आज ये अपने फर्स्ट जनरेशन में ही है। पेट्रोल डीजल दोनों में आती है। शुरू होती है 10 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 14 लाख रुपए। और यह है एक्सवी प्रीमियम टॉप मॉडल, इसकी कीमत है 13,77,000 रुपये। इसके ऊपर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मॉडल आता है। एक फ्लैट ज़मीन को टेरेनो बोलते हैं इटालियन में। और आगे आप ये देख रहे हैं क्रोम ग्रिल और फोर पॉड डिज़ाइन में हेडलैम्प्स, क्रोम ग्रिल, और 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है टेरेनो की। और ये रूफ रेल्स आपको मिलती हैं। लगभग 1800 किलो ग्रॉस वेट है टेरेनो का। फ्रांस की रेनो कंपनी और रोमानिया की डाचिया ने मिलकर बनाई थी डाचिया डस्टर, उसी में माइनर चेंजेस करके निसान टेरेनो बनाई गई है जो रशिया और इंडिया में बिकती है। रेनो निसान की ओनर है तो आपस में फिर सब चलता है। लगभग 4 मीटर लेंथ है टेरेनो की। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर और रेड का भी ऑप्शन है। और ये है एक्सवी की बैजिंग टॉप मॉडल की। और ये है 16 इंच के मशीन्ड अलॉय व्हील्स, 16 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। सेफ्टी के अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स, आगे दो एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, इंजन इमोबिलाइजर और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलते हैं आपको। रियर वाइपर आपको मिलेगा, थोड़ी बहुत क्रोम हाईलाइट दी गई है पीछे। ये DCI इंजन की बैजिंग, DCI का फुल फॉर्म है डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन। ये टेरेनो की बैजिंग। आइए बूट खोलते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है 475 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ टूल किट रखी गई है ऊपर। और कारपेट के नीचे कुछ नहीं है, फ्लैट है। जो स्पेयर व्हील है वो नीचे लगाया गया है। ये रहा स्पेयर व्हील। आइए पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं पीछे का। तो यहाँ डोर पे आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश डोर हैंडल पे। 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है टेरेनो में। और ये ब्राउन लेदर की फिनिश मिलती है। और ये है डुअल टोन ब्लैक और ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री, ब्लैक फैब्रिक का भी ऑप्शन है। 3 हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, ऐसे ब्लैक और ब्राउन फिनिश दी गई है। सीट बेल्ट्स दी गई हैं, 3 सीट बेल्ट हैं। और ये आर्म रेस्ट इसके अंदर फंस गया है, इसको थोड़ा फाड़ना पड़ेगा। तो ये एकदम फ्रेश नया आर्म रेस्ट आपके सामने ओपन हो रहा है। 2 ग्लास होल्डर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। ये पीछे की ट्रे मिलती है। और ये रीडिंग लाइट्स, दोनों सीट्स के लिए अलग अलग रीडिंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। ये काफ़ी अलग चीज़ है, वरना बीच में ही एक रीडिंग लाइट दी जाती है। और ये एक ग्लास होल्डर मिलता है यहाँ पर। और कुछ ऐसी दिखती हैं, दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। डुअल लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील और ब्रेक लीवर मिलेगा। और डुअल टोन फिनिश भी दी गई है डैशबोर्ड पे, ब्लैक और ब्राउन। सीट्स के पीछे भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। यहाँ पर भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश दी गई है, साथ में ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री। स्पीकर्स, नीचे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है।
पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, सेंटर लॉकिंग और कुछ ऐसी दिखती हैं फ्रंट की सीट्स, ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स। यहाँ पर भी ब्लैक और ब्राउन फिनिश आपको मिल रही है, लेदर है और ये थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स, एसी के वेंट्स, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, पैडल्स और ये आर्मरेस्ट, ये पीछे का बॉटल होल्डर, ये हैंड ब्रेक और यह है सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, फाइव स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। लेदर रैप मिलता है आपको, ये दो ग्लास होल्डर आगे के लिए दिए गए हैं, साथ में 12V का चार्जिंग पोर्ट है, इको मोड है, एफिशिएंट ड्राइविंग के लिए इको मोड। ये एसी के कंट्रोल्स हैं, ये 7 इंच की टच स्क्रीन सपोर्ट करती है नेविगेशन, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, USB और ऑक्स। ये पोलन फिल्टर के साथ एसी और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। यहाँ पर डैशबोर्ड भी ऊपर स्पेस दी गई है और ग्लो बॉक्स में लाइट मिलेगी आपको, ग्लो बॉक्स के ऊपर भी एक कंपार्टमेंट है और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर और रीडिंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और ये क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग पे दिया गया है, निसान का लोगो है शाइनी बीच में, स्पीड कम करने के लिए। ये वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये ऑडियो, फोन और वॉइस कंट्रोल, कॉल उठाने के लिए। और ये है 3 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये साइड में ड्राइव कंप्यूटर दिखाएगा आपको रेंज, एवरेज स्पीड, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और एवरेज। शानदार क्रोम हाईलाइट दी गई है। आइए अब फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं 1500cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, 110 PS पावर है, 245 Nm का टॉर्क है और 19 का एवरेज आपको मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से और लगभग 175 km/h की टॉप स्पीड है। यही इंजन 85 PS पावर और 200 Nm टॉर्क में भी आता है। पेट्रोल में 1600cc 4 सिलेंडर इंजन आएगा जिसकी 104 PS पावर है और 148 Nm का टॉर्क है और पेट्रोल इंजन आपको देगा 13 का एवरेज और डीजल इंजन आपको देगा 19 का एवरेज। ये डीजल इंजन देख रहे हैं आप। कैसे लगी आपको निसान टेरेनो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।